दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रिक्स वेंचर्स में। तो दोस्तों आज की वीडियो में क्या होने वाला है खास, तो इसी के बारे में बात बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने हमारा थंबनेल देख लिया होगा, तो हम बात करने वाले हैं ओला पार्टी के 1.7.0 के बारे में कि क्या अपडेट आया है और क्या क्या इसमें न्यू फीचर आए हैं और क्या क्या बदला हुआ है इसमें, क्या क्या चेंजेस आए हैं, इसी के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो जरा भी टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं उसको अपडेट अपडेट करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आपके अपडेट वर्जन नहीं आया है तो अब दोस्तों मैं दिखा देता हूँ कि आपको सेटिंग में जाके अपना वर्जन चेक करा देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरा जो वर्जन है ओला का, आप देख सकते हैं 1.7.0 जो मेरा वर्जन है, ये वर्जन है। तो देखना दोस्तों इसमें क्या खास होने वाला है। तो सिंपल दोस्तों हमने अपने आप आईडी में आ चुके हैं, ओला पार्टी आईडी में आ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर तो दोस्तों कुछ बदलाव आ नहीं रहा है। सिंपली जो पहले था लाइव पार्टी एंड ग्रुप वीडियो का वही ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद दोस्तों हम चल लेते हैं बैक, और बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ा नीचे आना है। नीचे हमें दोस्तों यहाँ पर एक देख सकते हैं एक जो ये कैप्रिकॉन जैसा जो लोगो है जो दोस्तों पहले नहीं आता था वो यहाँ पर आ चुका है इस तरीके से। दोस्तों ये होना है खास। और जो दोस्तों दूसरा बात करने वाले हैं पार्टी के बारे में, तो चले आते हैं हम थोड़ा नीचे। दोस्तों नीचे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ खास नहीं है। जो पहले ऑप्शन था यहाँ पर पार्टी और गेम टैलेंट का, तो यहाँ पर जो जो गेमिंग का था वहाँ उसकी जगह यहाँ पर टैलेंट का आ गया है। कि जो भी टैलेंट वाले हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मोर पार्टी टैलेंट होता है वो सिंपली जाकर आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी यहाँ पर वीडियो चैट पर लाइव होते हैं। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरा, तो चैट रूम में चलते हैं पहले हम अपने। तो सिंपली मैं अपने चैट रूम में चले जाता हूँ। तो यहाँ पर आ गए दोस्तों, यहाँ से आने के बाद मैं अपने गया चैट रूम में। चैट रूम में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर दिखा दो दोस्तों यहाँ पर कुछ हम देख लेते हैं कोई थीम वीम आई है। तो यहाँ पर बात करें दोस्तों थीम की, तो थीम में कोई चेंजेस नहीं आया है, कोई बिग अपडेट नहीं आया है। अब चले जाते हैं बैक। बैक आने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं एक न्यू जो न्यू एक ऑप्शन आया है इसके अंदर। तो यहाँ पर लिखा है इन्वाइट यूजर टू टेक सीट। तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि दोस्तों आप वो बंदा कहीं भी किसी भी बोर्ड में बैठा हो तो आप सिंपली यहाँ से टेक एंड सीट करोगे। तो सिंपली आप जाके यहाँ से उस बंदे को पहले ही, अगर बंदा आप इनवाइट करते हो और वो इनवाइट पे ज्वाइन नाउ पे क्लिक करता है तो सिंपली आके तुरंत वो एंटर लेते ही इस सीट पे आके वो बैठ जाएगा। दोस्तों काफ़ी अच्छा ऑप्शन, काफ़ी अच्छा फीचर आया है इसके बारे में। और दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की, तो हम चले आते हैं अपने आईडी में चले आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर कुछ खास नहीं आया है। तब बात कर लेते हैं अंदर जाके हम प्रोफाइल में, तो प्रोफाइल में भी दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ पर हमारा दिखा रहा है कि हमारा टोटल जो पोस्ट है वो यहाँ पे हमारे शो हो रहे हैं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा है दोस्तों, यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि हमने अभी आज तक जो है कितने पोस्ट कर रखे हैं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा है ये। और जो दूसरा है दोस्तों यहाँ पर दोस्तों दिख रहा होगा आपको, ये जो पहले यहाँ पर आइकन बना हुआ नहीं आता था, सिर्फ ओनली लिखा हुआ था लिब्रा या कैप्रिकॉन ऐसे कुछ वर्ड लिखे हुए आते थे, तो उसकी जगह दोस्तों ये लोगो भी आ गया। तो दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो उसे दोस्तों लाइक कर दें, क्योंकि आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, और जो भी न्यू अपडेट आता है उसके लिए हम वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों सेकंड जो अपडेट है उसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये भी एक ऑप्शन आ रखा है। तो ये इन्वाइट का ही जो यहाँ पर हम देख रखा है इन्वाइट को यूज़र सीट का ऑप्शन है, वही हमारा ऑप्शन यहाँ पर भी दे रहा है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन की, तो हम चले जाते हैं अपने पार्टी में और हम किसी भी अपने ग्रुप में कोई सा ग्रुप ऑन कर लेते हैं। दोस्तों ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ प्लस के आइकन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक तो जो रोबोट का है जो ये ऑप्शन है ये भी आ चुका है, और जो दोस्तों सेकंड ऑप्शन है एक ये गैंग अप का। तो दोस्तों ये भी देख रहे हैं काफ़ी अच्छा ऑप्शन निकल के आया है दोस्तों ये। तो आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों ये जो रोबोट है ये देख सकते हैं इसमें ग्रुप मैनेजमेंट का जो होता है मैनेजर का होता है वो वाला रोबोट है ये। और जो सेकंड दोस्तों ये है गेम अप का, तो यहाँ से दोस्तों आप गेम अप कर सकते हैं और न्यू पार्टी टैलेंट में जो न्यू चैट रूम होता है उसको क्रिएट कर सकते हैं पार्टी टैलेंट वाला। तो आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कर दें, अगर तो ऐसे ही दोस्तों आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर।